आपका वो भी कंप्यूटर, मतलब ये क्या करेगा कि इंटरफेस की तरह काम करेगा बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट। तो ओके, मूविंग ऑन। कंप्यूटर विंडोज 7 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो हैज़ मैनी यूटिलिटी प्रोग्राम फॉर डे टू डे एप्लीकेशन। दीज एप्लीकेशंस आर नोन एज एक्सेसरीज। विंडोज में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डे टू डे हम लोग यूज़ करते हैं, और इन्हीं जो डे टू डे एप्लीकेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं, इन्हीं को हम लोग एक्सेसरीज बोलते हैं। जैसे कैलकुलेटर हो गया, नोट पैड, विंडो मीडिया प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर एक्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न वॉट इज़ विंडो मीडिया प्लेयर। पहले हमें पता होना चाहिए विंडो मीडिया प्लेयर क्या है, राइट। नाम से पता चल रहा है मीडिया प्लेयर, मतलब ये मीडिया को क्या करेगा, प्ले करेगा। ओके, विंडो मीडिया प्लेयर रन्स एंड ऑर्गेनाइज द डिजिटल मीडिया फाइल्स, राइट। ये रन भी करता है, उसको ऑर्गेनाइज भी करता है, ठीक है। पहले तो विंडो मीडिया प्लेयर इज़ अ मीडिया प्लेयर, ये क्या है, मीडिया प्लेयर है एंड मीडिया लाइब्रेरी एप्लीकेशन। और ये मीडिया लाइब्रेरी एप्लीकेशन है एंड इट इज़ डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। और इसको किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट। एंड इसका यूज़ क्या है, प्लेइंग ऑडियो वीडियो एंड व्यूइंग इमेजेस ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स रनिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज पॉकेट पीसी एंड विंडोज मोबाइल बेस्ड डिवाइसेस, राइट। सो इसका काम क्या होता है, ये ऑडियो वीडियो डिजिटल फाइल्स को क्या करता है, रन करने में मदद करता है, ठीक है। इसकी मदद से आप रेडियो स्टेशन ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं वो सारे रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर क्या हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, राइट। ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से हम लोग अलाउ हम प्ले कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो सीडी और डीवीडी खुद की बना सकते हैं, राइट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कॉपी म्यूजिक एंड वीडियो फाइल्स टू पोर्टेबल डिवाइसेस। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो कॉपी जो फाइल्स हैं उसको हम लोग पोर्टेबल डिवाइसेस में भी क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, राइट। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रिप एंड बर्न, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप एंड बर्न क्या होता है, आपने सीडी का नाम तो सुना ही होगा, राइट। सीडी में क्या होता है, जैसे मान लो दो तरह की, तो आपकी कंटेंट डेटा जिसमें डेटा कंटेन होता है और एक ब्लैंक सीडी होती है, राइट। तो जब कभी भी आप कॉपी कर रहे हो म्यूजिक को, पिक्चर्स को या वीडियोस को अपने पीसी से टू अ ब्लैंक सीडी या डीवीडी, मतलब आपने एक सीडी ब्लैंक डीवीडी या सीडी मार्केट से ली जो खाली इसके अंदर कुछ नहीं है, एंड आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर कोई गेम है मान लो, या कोई सॉन्ग या कोई वीडियो, उसको आप उसके अंदर स्टोर करके रखना चाहते हो इन केस फ्यूचर में कभी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया तो डेटा आपके पास रहे, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हम कॉपी करते हैं कोई भी डेटा कंप्यूटर से कहाँ पे, सीडी या डीवीडी में, तो इसको हम लोग बर्निंग कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम, बर्निंग, राइट। एंड व्हेन यू कॉपी म्यूजिक पिक्चर्स एंड वीडियोज, जब हम लोग म्यूजिक पिक्चर्स और वीडियोज करते हैं फ्रॉम सीडी डीवीडी टू योर पीसी, जब इसका रिवर्स करते हैं, राइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपिंग, राइट। यू कैन यूज विंडो मीडिया प्लेयर टू डू बोथ, दोनों काम कर सकते हैं करने के लिए, विंडो मीडिया प्लेयर दोनों काम करने में मदद करेगा। तो रिपिंग क्या है, व्हेन वी कॉपी सॉन्ग्स फ्रॉम सीडी टू अ कंप्यूटर, जब सीडी से टू अ कंप्यूटर करते हैं उसको हम लोग रिपिंग बोलते हैं, एंड जैसे इसका अपोजिट क्या होगा, बर्निंग होगा, राइट। आई होप आप समझ गए, जब आप सीडी और डीवीडी से कॉपी करते हो डेटा, मान लो मूवी है मार्केट के, वहाँ पे आपको कोई मूवी अच्छी लगी वो सीडी में थी, आपने सीडी लाए उसको क्या कर लिया, जल्दी से कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, तो इसको बोलेंगे आपने रिपिंग परफॉर्म की, राइट। तो बोथ आर व्हाट वी कैन से कि बोथ एक दूसरे के से कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। मतलब जब हम कंप्यूटर से कॉपी करके डेटा सीडी में रख रहे हैं तो उसको हम लोग बर्निंग बोलेंगे, एंड जब सीडी से कॉपी करके हम कंप्यूटर में रख रहे हैं तो उसको हम लोग रैपिंग बोलेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। नाउ अगर आपको बर्न करना है तो कैसे बर्न करोगे, सबसे पहले अपना विंडो मीडिया प्लेयर ओपन करेंगे, फिर वहाँ पर प्लेयर लाइब्रेरी में ओपन जाएंगे, एंड वहाँ पर एक ऑप्शन होगा बर्न टैब का, ठीक है। फिर उस पर आप बर्न टैब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द बर्न ऑप्शन बटन एंड देन सेलेक्ट ऑडियो सीडी और डेटा सीडी और डीवीडी, राइट।
ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लैंक सीडी जो लाए हो आप उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सीडी या डीवीडी बर्नर में जो भी है आपने। तो इंसर्ट अ ब्लैंक डिस्क इनटू योर सीडी और डीवीडी बर्नर। इफ़ योर पीसी हैज़ मोर देन वन सीडी और डीवीडी ड्राइव, अगर आपके नॉर्मली होता नहीं है बट अगर सपोज आपके कंप्यूटर में एक या एक से ज़्यादा सीडी ड्राइवर तो सेलेक्ट करेंगे कौन से ड्राइवर को आप किस में आप उस सीडी को डाला हुआ है। ओके, सर्च फॉर द आइटम, फिर उसके बाद कौन कौन सी डेटास आप उस सीडी के अंदर डालना चाह रहे हो उसको सर्च करो, राइट, दैट यू वांट टू बर्न टू द डिस्क एंड देन ड्रैग टू द लिस्ट पेन, और उन सबको क्या करो ड्रैग करके लिस्ट पेन तक ले जाओ, राइट, राइट साइड होगी आपकी प्लेयर लाइब्रेरी के। तो इससे क्या होगी पूरी बन के लिस्ट हो जाएगी कि आप कौन कौन से फाइल या फोल्डर अपने उस पर ऐड करना चाह रहे हो। जब आपने पूरी लिस्ट बना के तैयार कर ली कि आपको ये फाइल ऐड करनी है तो वहीं पे एक ऑप्शन होगा सेलेक्ट स्टार्ट वर्ड, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जितने भी लिस्ट है वो सीडी में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ कुछ टिप्स हैं इफ़ यू वांट टू चेंज, अगर आप क्या चाह रहे हो कि आपने एक लिस्ट बना ली फिर भी उसको आप चेंज करना चाह रहे हो, राइट, बन लिस्ट को चेंज करना चाह रहे हो तो उनको आप ड्रैग अप एंड डाउन ड्रैग करके जिसको ऊपर करना है उसको ऊपर कर दीजिए, जिसको नीचे करना है उसको नीचे कर दीजिए, राइट। इफ़ यू वांट टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम बर्न लिस्ट, सपोज करिए आपने एक लिस्ट बना ली पर उसमें आप चाहिए कहाँ है ये चीज़ें नहीं चाहिए, देन राइट क्लिक द आइटम, उस आइटम को राइट क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट, वहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा जब राइट क्लिक करेंगे तो रिमूव फ्रॉम लिस्ट, और जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे वो डेटा आपकी बर्न लिस्ट से गायब हो जाएगा। इफ़ योर लिस्ट हैज़ टू मैनी आइटम्स फॉर वन डिस्क, सपोज आपकी डिस्क में एक से ज़्यादा आइटम्स हो, बहुत ज़्यादा आइटम्स हो गए एक डिस्क के लिए, यू कैन बर्न द रिमेनिंग आइटम टू अ सेकेंड डिस्क, आप सेकेंड डिस्क यूज़ करके उसको बर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दो विंडोज़ को हम लोग साइड बाई साइड कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेट्स अज्यूम यू हैव टू ओपन विंडोज़ ऑन योर कंप्यूटर, आपको अपने कंप्यूटर पे विंडोज़ ओपन करना है बट वन इज़ बिहाइंड अदर, पर एक क्या होता है एक दूसरे के पीछे होता है, हमें साइड बाई साइड देखना है, ठीक है। तो अगर आपको साइड बाई साइड देखना है तो टू टेक योर कर्सर टू द सेंटर और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ योर विंडो ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, अपने कर्सर को सेंटर पे या टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ जो ओपन विंडो है वहाँ पर ले जाइए, फिर प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ग्रैब द विंडो, ठीक है। माउस से आपको क्या करना है लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है एंड ग्रैब विंडो दबाना है, ठीक है। कीप द माउस बटन प्रेस एंड ड्रैग द विंडो ऑल द वे ओवर टू द राइट ऑफ योर स्क्रीन, ट्रैक को दबाए रखे हुए ड्रैग करते हुए किधर ले आना है स्क्रीन के राइट हैंड साइड में, जैसे आप लाओगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी रिसाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी रिसाइज हो जाएगी, और क्या होगा आपकी पूरी स्क्रीन में एक हाफ पार्ट क्या कर लेगी अटेंड, वो पूरी विंडो जो होगी वो एक हाफ पार्ट में ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी, ठीक है। सेम वे आप जो दूसरा पार्ट चाहते हो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे सेम काम आप वहाँ पे करिए, अपने कर्सर को टॉप पे ले जाइए एंड माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करिए एंड ग्रैब करिए विंडो को, ड्रैग करते उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो वो क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, राइट। जैसे क्या किए आप ये मान लीजिए स्क्रीन है यहाँ टॉप पे जाएंगे विंडो आपने ओपन की, माउस से लेफ्ट बटन दबाएंगे एंड उसको ग्रैब किया जाएंगे विंडो की को, तो क्या करेंगे आपने मान लीजिए सपोज करिए कि पूरी आपकी यहाँ पे आपने क्या किया उसको एक स्क्रीन आपकी इतनी हो गई, ठीक है, वो पूरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी एक हाफ स्क्रीन पे आ जाएगी। सेम वे में जो दूसरा विंडो आप चाहते हो साइड में हो उसके लिए अगेन फिर से टॉप पे जाएंगे राइट क्लिक करेंगे माउस से एंड ग्रैब करेंगे तो देखेंगे क्या होगा ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन भी आपके कंप्यूटर में ऐसे दिखने लगी, तो दो विंडोज़ आपको साइड बाई साइड दिखने लगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके कंप्यूटर में ऐड हुआ है या विंडोज़ 7 ने आपको एक स्पेशल फीचर्स दिया। इससे पहले ये मुश्किल होता था कि हम दो अगर विंडोज़ में काम करना चाहें एक साथ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, पर थैंक्स टू विंडोज़ 7 इट इज़ हैपनिंग नाउ।